dear students, uh, i have to talk with you about the, the semantics in detail. semantics is the study of meaning of words, phrases and sentences. in semantic analysis, there is always attempt to focus on what words conventionally मीन्स यानी इसमें हमें देखते हैं कि जो अल्फाज होते हैं उनके रवायती तौर पर कन्वेंशनली उनके क्या मीनंगस होते हैं रादर देन ऑन वट द स्पीकर फोकस ऑन सम पर्टिकुलर ओकेजन इसकी बजाय कि कोई स्पीकर किसी ख़ास इवेंट पे बात करे यानी कंटेक्सचुअल मीनिंग की बात नहीं है बल्कि उसके जो कन्सेपचुअल मीनिंग बात है uh, कंसेप्चुअल मीनिंग कंसेप्चुअुअल मीनिंग कवर द बेसिक असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मीनिंग विच आर कन्वेड बाई द लिटरल यूज ऑफ द वर्ड्स यानि अल्फाज के जो लिटरल मीनिंग होते हैं वो कंटेक्चुअल यानी कंसेपच्चुअल मीनिंग होते हैं फॉर एग्जाम्पल समसिक कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड लाइक नीडल अब नीडल जो वर्ड है वो बेसिकली क्या है ये एक इंस्ट्रूमेंट है ये एक आला है सिलाई करने का या जिस तरह या इसके या चुभेगी तो इससे पेन होगी ठीक है ये एक शार्प और बारीक मेटेलिक uh, इंस्ट्रूमेंट uh, है तो एसोसिएटेड मीनिंग इसके ये हो सकते हैं कि जब आप नीडल uh, आपको प्रिक करती है तो आपको के जहन में उसके पेन का तस्वर उभरता है ठीक है तो सजेशंस और अटैच टू अ वर्ड क्या हैं कि वो उसके हम एसोसिएटिव मीनिंग्स पे नहीं बात करेंगे बल्कि यानी उसका जो पेनफुल कॉन्सेप्ट है एसोसिएटिव मीनिंग्स तो का तस्वर तो उसकी यानी पेनफुल कॉन्सेप्ट आएगा एसोसिएटिव मीनिंग से लेकिन माहरीन लिंग, जो लिंग्विस्टिक्स के माहरीन हैं वो क्या करते हैं वो एसोसिएटिव मीनिंग्स की बजाय लिटरल मीनिंग्स के या कन्सेपच्चुअल मीनिंग की बात करते हैं ठीक है और वो कभी भी जब फोकस करेंगे तो वो नीडल के कंसेपचुअल मीनिंग पे बात करेंगे एसोसिएटिव मीनिंग पर नहीं बात करेंगे और जब अगर हम इसको कंपैरिजन करें कि जब भी माहरीन इन्वेस्टिगेट करेंगे या बात करेंगे या लैंग्वेज पे सीमेंटिक्स की बात करेंगे तो वो एसोसिएटिव मीनिंग्स जो के क्या है नीडल का कि वो पेनफुल एक कॉन्सेप्ट है जो उसका उसके साथ वाबस्था है वो उसकी बात नहीं करेंगे बल्कि वो एक इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे ठीक है तो वो नॉर्मल जो करेक्टराइज जो उसके साथ अटैच हैं उसके जो भी मीनिंग के साथ यानी जो कंसेप्ट के साथ वाबस्था है वो उसकी बात करेंगे लेकिन जो पोइट्स हैं एडवर्टाइज़र्स हैं वो लैंग्वेज के जो हैं वो एसोसिएटिव मीनिंग पे बात करते हैं वो कंसेप्चुअल uh, मीनिंग की बजाय एसोसिएटिव मीनिंग बात करते हैं मसलन क्योंकि वो एक एक तासर कायम करना चाहते हैं यानी एक इमेजिनेशन की कैफियत पैदा करने करना चाहते हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं मिसाल के तौर पर द एड ऑफ पैपसी जनरेशन नेक्स्ट और आ, इन जोंग एडवरटाइजमेंट सब कह दो तो इसी तरह जब पोइट्री है या जब आ, हम तशबीहात की बात करते हैं तो वो उसमें जैसे कि वो शायर जो, जो है वो क्या करना चाहता है एक तशबीहती कैफियत यानी एक इमेजिनेटिव कैफियत पैदा करना पड़ता है तो मतलब ये है कि जो लिंग्विस्टिक्स हैं वो कंसेपचुअल मीनिंग पे बात करते हैं और दूसरे जो पोइट और एडवर्टाइज़र्स वो है वो एसोसिएटिव मीनिंग पे बात करना चाहते हैं अपनी अपनी ज़रूरत के तहत तो ये था सिमेंटिक्स की स्टडी जिस पे मैंने आपसे बात की